बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट और मुख्तलिफ इदारों में आई जॉब्स की अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको तमाम डिटेल्स और अप्लाई करने के तरीके कार के बारे में पता चल सके। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब आई है वो आई है क्रेडिट कॉलेज जाफराबाद में। उनको जो रिक्वायर्ड है पोस्ट वो है लेक्चरर इंग्लिश BA 17। दो है उसके बाद लेक्चरर मैथमेटिक्स BA 17। वैकेंसी के साथ एक है उसके बाद लेक्चरर केमिस्ट्री BA 17। वैकेंसी के साथ एक है लेक्चरर फिजिक्स BA 17। लेक्चरर बायोलॉजी BA 17। लेक्चरर पाक स्टडीज BA 17। और लेक्चरर उर्दू BA 17। इन सब में तादाद पोस्ट की तादाद एक एक है। इसमें अप्लाई करने के लिए तो आपने अपनी एप्लीकेशन साथ ही अपने अटेस्टेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और अपनी रीसेंट 4 फोटोज इस पते पर क्रेडिट कॉलेज जाफराबाद 3 नवंबर 2019 से पहले पहले भेजनी है। इसमें अप्लाई करने के लिए 3 नवंबर 2019 है। उसके बाद नेक्स्ट जॉब जो है वो आई है कंटोनमेंट बोर्ड कोयटा में। इसमें सबसे पहले जॉब है वो है केमिस्ट्री लेक्चरर की, फीमेल के लिए ये जॉब है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक है, ये फीमेल फॉर बॉयज सेक्शन है। उसके बाद है केमिस्ट्री टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ये भी फीमेल के लिए है। उसके बाद उर्दू टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ये भी फीमेल टीचर्स के लिए है। उसके बाद है जी साइंस एंड मैथ टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ये भी फीमेल के लिए है। उसके बाद कंप्यूटर टीचर, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज टीचर, ये सारी पोस्ट फीमेल के लिए है। उसके बाद है जी एडमिन ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ये फॉर मेल है। उसके बाद है जी PA, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, जबकि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी अकाउंटेंट, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ये ओनली फॉर मेल है। उसके बाद है जी क्लर्क या टाइपिस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक है, जबकि इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी उर्दू लेक्चरर टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट एक है और इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी इंग्लिश लेक्चरर टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जबकि इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है। उसके बाद है जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलैब अटेंडेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, जबकि इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है और ये गर्ल्स सेक्शन के लिए है। उसके बाद 7 है, जबकि इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है। उसके बाद है जी सेकेंडरी स्कूल टीचर, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जबकि ये भी फीमेल्स के लिए है। उसके बाद है जी चाइनीज लैंग्वेज टीचर, जर्मन लैंग्वेज टीचर और अरबिक एंड नाजरा टीचर, इसमें इन तमाम में नंबर ऑफ पोस्ट 1-1 है, जबकि इसमें फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अप्लाई करने के तरीके कार की बात कर ले तो आपने अपनी दरख्वास्त MS वर्ड पर ये जो पैटर्न दिया गया है ये आप देख लें, ये इस पैटर्न के मुताबिक आपने अपनी दरख्वास्त लिखनी है और अपने एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंटोनमेंट बोर्ड कोयटा पर 4 नवंबर 2019 से पहले पहले भेजने हैं। जबकि आपने साथ एप्लीकेशन के साथ 2 पोस्टल एनवेलप्स भी भेजनी है ताकि आपको दोबारा जवाब रिसीव हो सके। नेक्स्ट जॉब ऑफिस ऑफ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में। इसमें जो तमाम जॉब्स हैं वो वॉक इन इंटरव्यू पे हैं। आपको मैं जॉब सारी बता देता हूँ। सबसे पहले है जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी, वार्ड आया गेटकीपर स्ट्रेचर व्हीलचेयर बैरियर। इसमें जो इंटरव्यू की डेट है वो है 5 नवंबर 2019 सुबह 9 बजे। उसके बाद है जी वार्ड सर्वेंट माची और चौकीदार, इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो है 6 नवंबर 2019 सुबह 9 बजे। उसके बाद है जी वार्ड अटेंडेंट, इसकी जो इंटरव्यू की डेट है वो है 7 नवंबर 2019 सुबह 9 बजे। उसके बाद है जी वार्ड क्लीनर OT अटेंडेंट,
ये 8 नवंबर 2019 को इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद है जी 9 नवंबर 2019 को इंटरव्यू लिया जाएगा। ये तमाम जॉब्स वॉक इन इंटरव्यू बेसिस है। नेक्स्ट जॉब जो है वो है कमिश्नर ऑफिस नसीराबाद डिवीजन में। इसमें नसीराबाद डिवीजन के डोमिसाइल के हामिल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो जॉब है वो है स्टेनोग्राफर की। बीपीएस 14 रैंक है, असामी की 7 है, उम्र की 18 से 43 साल रखी गई है। उसके बाद है जी असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की। बीपीएस 12 रैंक है, असामी की 3 है, जबकि 18 से 43 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद है जी जूनियर क्लर्क बीपीएस 11 रैंक है, असामी की 32 है, जबकि 18 से 43 साल इसकी भी एज लिमिट है। और इसमें FA या FSC की हामिल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर के इस्तेमाल में महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। इसमें अप्लाई करने के तरीकेकार की बात कर लें तो आपने इसका फॉर्म www.ots.org.pk इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा से डाउनलोड कर लेना है। और इसकी जो फीस है तकरीबन 500 रुपए वो आपने बैंक में जमा करवानी है, जो कि आपको वहां मेंशन किया जाएगा। अपनी दरख्वास्त फिल करके आपने इस पते ओपन टेस्टिंग सर्विस ऑफिस नंबर 1 क्रिसेंट मॉल कमर्शियल सेंट्रल एवेन्यू रोड फेज 6 बैरियर टाउन इस्लामाबाद में भेज देना है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 नवंबर 2019 है। नेक्स्ट जॉब्स की तरफ आ जाए तो आज जॉब आई है वुमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी में। इसका इन सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया जो कि आप लोगों ने रीड कर लेना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए दिया गया है। सबसे पहले जो है वो है एडिशनल रजिस्ट्रार में। बीपीएस 19 रैंक है, जबकि एज लिमिट में 45 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डिप्टी रजिस्ट्रार बीपीएस 18 रैंक है, एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद है ये डिप्टी डायरेक्टर आईटी बीपीएस 18 रैंक है, जबकि एज लिमिट 40 साल रखी गई है। उसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशंस बीपीएस 18 रैंक है, जबकि एज लिमिट 40 साल रखी गई है। उसके बाद है डिप्टी ट्रेजरर बीपीएस 18 रैंक है, एज लिमिट 40 साल रखी गई है। उसके बाद है जी डिप्टी डायरेक्टर ORIC। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार बीपीएस 17 रैंक है, जबकि एज लिमिट 35 साल रखी गई है। उसके बाद है जी रिक्रूटमेंट ऑफिसर, इसका भी बीपीएस 17 रैंक है। उसके बाद है जी ईएस टू वाइस चांसलर बीपीएस 17 रैंक है। उसके बाद है जी असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसका भी रैंक बीपीएस 17 है। उसके बाद जी अकाउंटेंट बीपीएस 16 रैंक है, जबकि एज लिमिट इसमें भी 35 साल रखी गई है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर बीपीएस 16 रैंक है इसका। उसके बाद है जी यूडीसी सीनियर क्लर्क बीपीएस 14 रैंक है इसका, इसमें भी एज लिमिट 35 साल रखी गई है। उसके बाद सब इंजीनियर सिविल बीपीएस 11 रैंक है, जबकि इसमें तलीमी काबिलियत 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट में 35 साल रखी गई है। उसके बाद है जी LDC जूनियर क्लर्क बीपीएस 11 रैंक है, जबकि इसमें इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन कम से कम और 30 अल्फाज फी मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एज लिमिट में 35 साल रखी गई है। उसके बाद है जी ड्राइवर बीपीएस 5 रैंक है, मैट्रिक होना चाहिए, सेकंड डिवीजन कम से कम और HDV या LDV लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है हैवी ट्रांसपोर्ट का। तो गैर तलीमी याफ्ता है उनके पास HDV और LDV लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट इसमें 40 साल रखी गई है। उसके बाद है जी सिक्योरिटी गार्ड बीपीएस 5 रैंक है, रिटायर्ड डिफेंस फोर्सेस पर्सन होना चाहिए विद गुड फिजिक, मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, एजुकेटेड पर्सन विल बी गिवन प्रेफरेंस, एज लिमिट इसमें 40 साल रखी गई है सिविल। उसके बाद है जी क्लास 4 नायब कासिद स्वीपर बीपीएस 2 रैंक है, जबकि मैट्रिक होना चाहिए सेकंड डिवीजन और अनपढ़ जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हो।
ये अप्लाई करने के तरीकेकार की बात कर लें तो आपने इसका फॉर्म www.wus.edu.pk से डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी जो आपने फीस है रैंक के मुताबिक ऑनलाइन डिपॉजिट करवानी है। अकाउंट नंबर इनका दिया गया है 2387399 74 यूनाइटेड बैंक लिमिटेड रुआबी ब्रांच में। 3000 रुपए BPS 19 के लिए है, 2500 रुपए BPS 18 के लिए है, 2000 रुपए BPS 17 के लिए है और BPS 11 से BPS 16 तक के लिए 1500 रुपए और BPS 5 तक के लिए 1000 रुपए आपको बैंक डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। और आपने ये असल बैंक डिपॉजिट की कॉपी, अपनी तमाम तलीमी असनाद अटेस्टेड, डोमिसाइल और अपने शक्ति कार्ड की फोटोकॉपी वो भी अटेस्टेड और 3 फोटोग्राफ्स इस फोटोग्राफ्स इसके साथ अटैच करके 15 नवंबर 2019 से पहले पहले इनके ऑफिस में भेजनी है, जिसका पता है डिप्टी रजिस्ट्रार वुमेन यूनिवर्सिटी स्वाबी पर भेज देनी है। ये मुख्तलिफ दरों में जॉब थी जो इनकी डिटेल आपके साथ शेयर की गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के निशान को दबाइए ताकि नई आने वाली जॉब अपडेट आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।